नोएडा के ओमैक्स सोसाइटी में महिला के साथ बदसलूकी के आरोपी श्रीकांत त्यागी की जमानत की अर्जी को सूरजपुर कोर्ट ने खारिज कर दिया। आपको बता दें कि श्रीकांत ने महिला से छेड़छाड़ को लेकर दर्ज की गई FIR में जमानत याचिका दायर की थी। भाजपा नेता को अभी जेल के अंदर रहना पड़ेगा। आपको बता दें कि नोएडा पुलिस ने 25,000 के इनामी श्रीकांत को मंगलवार को मेरठ से गिरफ्तार किया था। कोर्ट ने उसे बुधवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। वहीं गुरुवार को कोर्ट के फैसले के बाद त्यागी की मुश्किलें और भी ज्यादा बढ़ गई। अब श्रीकांत त्यागी पर दर्ज धोखाधड़ी के केस में सुनवाई 16 अगस्त को होगी। तो वहीं आपको बता दें कि पुलिस ने श्रीकांत त्यागी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान गिरफ्तार किया था। सूरजपुर कोर्ट ने श्रीकांत त्यागी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा था। त्यागी के साथ उसके साथियों को भी न्यायिक हिरासत में भेजा गया। वहीं चारों आरोपियों को नोएडा के लुक्सर जेल में रखा जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट IPN।